हेलो दोस्तों, मैं हूं मृगेन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स एंड सोलर सिस्टम। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्केलियन सॉफ्टवेयर के बारे में। स्केलियन सॉफ्टवेयर जो है एक प्लगइन है जो कि स्केचअप में यूज किया जाता है ना, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है फॉर डिज़ाइनिंग के लिए, स्केलियन सोलर के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए, और ये स्केचअप का एक प्लगइन है। तो सबसे पहले हम अपने विंडो को रिफ्रेश करते हैं और स्केचअप सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये स्केचअप मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए, ये आपका स्केचअप की विंडो ओपन हो गई है। ये यहाँ पास एक ह्यूमन की इमेज बनकर आती है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहीं पे स्केचअप में हम क्या करेंगे कि आपका स्केलियन का प्लगइन लेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करते हैं स्केलियन डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे स्केलियन डाउनलोड हम क्लिक करके एंटर करते हैं तो स्केलियन डाउनलोड की कई सारी विंडोज़ खुल करके आती हैं और ये हमारा स्केलियन का पेज खुल करके आ गया। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब स्केलियन की विंडोज़ में जो जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें ये देखिए, ये पूरा स्केलियन का पेज है जहाँ से आप स्केलियन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड में हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड में क्लिक करने के बाद ये हमारा स्केलियन आ गया फ्री वर्ज़न। ठीक है, इसमें स्केलियन प्रो होता है जो कि 15 दिन के लिए आपको मिलेगा, उसमें पूरा फुल फीचर होगा। उसके बाद जो है स्केलियन के कुछ फीचर्स कम हो जाएंगे 15 दिन के बाद, और फिर वो आपको नॉर्मल एक स्केलियन का प्लगइन आपके पास रहेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको करते हैं कि ये 15 दिन वाला जो आपके पास फुल प्रो वर्जन है, ये आपको 15 दिन तक आप इसको इसका यूज़ कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए, बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो पूरे टाइम के लिए है। ठीक है, तो हम इसको डाउनलोड में क्लिक करते हैं और ये एक जिप फाइल जो है डाउनलोड होकर के आपको मिलेगी। उस जिप फाइल को आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी जिप फाइल है, इसको आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपकी डेस्कटॉप में ही एक्सट्रैक्ट होकर के एक फोल्डर बन करके आ जाएगा, ये स्केलियन का जो सॉफ्टवेयर अभी आपने डाउनलोड किया है। ठीक है, अब देखो इसमें दो फाइलें हैं। ठीक है, इन दो फाइलों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कॉपी करके हमें सी ड्राइव में जाना है और वहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आप अपने कंप्यूटर माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको करना क्या है कि व्यू में जाइए और हिडन हिडन आइटम्स को आप क्लिक कर दीजिए, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जाइए यूजर्स में, यूजर्स में जाकर एडमिन में जाइए, एडमिन में जाकर ऐप डाटा में क्लिक कीजिए, उसके बाद रोमिंग में क्लिक कीजिए। रोमिंग में क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा स्केचअप, वहाँ क्लिक कीजिए। स्केचअप 2018-19 मेरा है 2019, आपको 2019 में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें मिलेगा स्केचअप, स्केचअप में क्लिक कीजिए फिर से। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा प्लगइन्स, तो प्लगइन्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो जो दो फाइल आपने वहाँ से कॉपी की थी वो दो फाइल यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको आप विंडो को क्लोज़ कीजिए। इसके बाद आपको जाना है अपने मेन सॉफ्टवेयर में, स्केचअप वाले में। आपको वहाँ पर देखिएगा आपको स्केलियन का सॉफ्टवेयर का प्लगइन मिल चुका होगा। तो हम आइए सबसे पहले स्केचअप सॉफ्टवेयर में हम जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, कोई भी एक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं मिलीमीटर को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं मिलीमीटर ऑब्जेक्ट वाले विंडो को मैंने सिलेक्ट करके स्केचअप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अभी देखिए, अब ये स्केलियन आपके लाइसेंस के लिए पूछेगा एक्सेप्ट और डेक्लाइन। तो स्केलियन हम इसको हम स्केलियन एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या होगा, आप क्लिक कीजिए पहले एक्सेप्ट में, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो स्केलियन को हम एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। इसके बाद हमें देखिए, हमें इसको इसके बाद हमें इसको और उसके बाद फिर से इसको रीओपन करना पड़ेगा। तो हम रीओपन करते हैं स्केलियन सॉफ्टवेयर को। अब आप देखेंगे तो आपको अपने स्केलियन का एक प्लगइन जो है वो मिल चुका होगा। आपको जाना होगा थोड़ा सा, आपको यहाँ पास एक मतलब ये देखिए, आपको स्केलियन शो हो रहा है, ये आपका स्केलियन प्लगइन, इट मीन्स स्केलियन का प्लगइन आ चुका है। अब आप एक्सटेंशन में जाइए, एक्सटेंशन में जाने के बाद अब यहाँ से भी देख सकते हैं एक्सटेंशन में स्केलियन दिख रहा है आपको, शो हो रहा है, इट मीन्स स्केलियन प्लगइन आपको यहाँ पास मिल गया है ना स्केचअप सॉफ्टवेयर में। अब आप स्केलियन के थ्रू बहुत ही इजीली किसी भी सोलर प्लांट की डिज़ाइनिंग, उसकी शैडो एनालिसिस, उसकी पूरी जनरेशन रिपोर्ट, सन का पाथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो है, टिल्ट एंगल, है ना, आप बहुत सारी चीज़ें इससे आप जो है इससे यूज करके आप सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और यूजफुल सॉफ्टवेयर है स्केलियन, और स्केलियन को बस डाउनलोड करके एक प्लगइन्स के फॉर्म में हम इसको स्केचअप में यूज करते हैं, है ना। तो आइए हम एक रेक्टेंगल को बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम देखते हैं ये स्केलियन कैसे काम करता है। हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने पुश पुल कमांड के थ्रू इसको
थोड़ा सा बिल्डिंग की हाइट ले ली। इसके बाद हम इसके ऊपर का फेस को सिलेक्ट करते हैं और स्केलियन में क्लिक करते हैं। स्केलियन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास एक अपना रेडिएटर टिल्ट एंगल डालते हैं, कुछ भी 25 डिग्री जैसे मैं डाल देता हूँ, है ना। और यहाँ पास आपको ये मॉड्यूल की डाटा शीट जो है शो होगी, और मैं यहाँ पास दे देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स 14, ठीक है, 14 नहीं, चलो मैं 4 दे देता हूँ अभी, है ना, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद स्टैक कंपोनेंट में 2 दे देता हूँ। तो अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे हमारे पास सोलर मॉड्यूल वहाँ पास इसके लियन के थ्रू यहाँ बिल्डिंग की रूफ पे आ चुका है, शो हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप कैसे कोई कोई भी सोलर प्लांट की डिज़ाइनिंग आप इजिली कर सकते हैं। और आपका ये 3D बेसिक मॉडल है स्केचअप के थ्रू, है ना। ये यहाँ पास आपका ऑप्शंस है, टिल्ट एंगल, सोलर मॉड्यूल, और यहाँ पास एंड यूजर डेटाबेस, है ना। तो यहाँ से आप कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इस स्केलियन के थ्रू आप कई सारे डाटास को आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास यूज़र डेटाबेस में क्लिक करता हूँ, यहाँ पास हम अपना खुद का मॉड्यूल का साइज इंटर करके इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सन पाथ, जैसा कि मैंने बोला, सन पाथ भी यहाँ से हमको सन पाथ का चार्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पास ये हेल्प है, हेल्प के थ्रू आपको कई नोटिफिकेशंस के बारे में जैसे जानना कमांड के बारे में, तो हेल्प के थ्रू आप जान सकते हैं। अबाउट स्केलियन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्केलियन प्लगइन्स का यूज करके आप अपने सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग इजीली कर सकते हैं। बट याद रहे, आपको एक रेक्टेंगल बना करके एक सरफेस को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद स्केलियन वर्क करता है, ओके। तो दोस्तों आप स्केलियन को आप डाउनलोड कीजिए और अपने स्केचअप के प्लगइन्स में इसको प्लगइन्स के फॉर्म में इसको यूज कीजिए, और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए अपने सोलर प्लांट को, बाय।